इंदौर में 9 साल पहले एक क्लिनिक से नवजात बच्चों के गायब होने के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। कार्रवाई करते हुए इंदौर एसटीएफ ने 7 आरोपियों को धर दबोचा है। इन आरोपियों से 2-2 बच्चों को भी बरामद किया है। इंदौर एसटीएफ को नवजात बच्चों के यश मैटरनिटी क्लिनिक से गायब होने की सूचना मिली थी, जिसमें बताया गया कि क्लिनिक में बच्चे के जन्म के बाद उसकी मां से अलग कर अस्पताल स्टाफ द्वारा अन्य निसंतान दंपतियों को दे दिया जाता है। पुलिस की जांच के दौरान लीलाबाई को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। पूरे मामले का खुलासा हो गया। पुलिस ने मामले में अब तक 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एसटीएफ इकाई इंदौर द्वारा एक उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की गई है। एक हमको सूचना प्राप्त हुई थी चाइल्ड हेल्पलाइन से, आवेदन पत्र प्राप्त हुआ था जांच हेतु। उसके जांच के तारतम्य में जो इकाई द्वारा देवास में दबिश दी गई थी और एक बच्चे को दस्तयाब किया गया है, और जो इंदौर में एक जो दाई संबंध में एक आरोपी पकड़ी गई है, उससे फिर पूछताछ की गई। उस पूछताछ के आधार पे रतलाम से भी एक बच्चे को दस्तयाब किया गया है। कुल करीब जो पूरी पूछताछ के दौरान यह घटनाक्रम सामने आया कि एक 51 नंबर में एक क्लिनिक था जिससे ये दोनों बच्चे लिए गए थे और अवैधानिक रूप से इनको दो परिवारों को दिए गए थे, और जिन परिवार के सदस्यों ने इनको लिया है और जो बीच में दाई जिसने ले जा करके बच्चों को हैंडओवर कराया है, ऐसे कुल 7 आरोपियों को विधिवत गिरफ्तार कर लिया गया है, जिनको माननीय न्यायालय प्रस्तुत किया जाएगा। बच्चों को विधिवत माननीय जो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के समक्ष प्रस्तुत किया गया है और संबंधित उनको जो चाइल्ड केयर होम है वहाँ भेजा गया है। फिलहाल पुलिस आरोपियों से बरामद दोनों बच्चों की मां की तलाश कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, मृदुभाषी न्यूज, इंदौर। मृदुभाषी से जुड़ने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें।